देवी, प्रभु के उस बाल रूप का क्या वर्णन करें। उस बालक के कानों में सुंदर कुंडल है, सिर पर मोर मुकुट है, जिसमें सुंदर हीरे व मणि जड़ित है। जिससे ये खजाना चुराना है वो तो एक छोटा सा बालक है। इतने सारे आभूषण अगर मुझे मिल जाए तब तो मैं जीवन भर के लिए माला मार हो जाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम, भगवान आपका मंगल करे। मेरे निकट बैठिए, कहिए किस कारणवश आप पधारे हैं। हे मान्यवर, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। श्रद्धालु भक्त आपके मुखारविंद से हरि कथा सुनते हुए परम आनंद प्राप्त करते हैं, तो मैं भी आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रायः आप जिस बालक के रूप का वर्णन करते हैं वो बालक कहाँ रहता है, उसके माता पिता का नाम क्या है, और उस बालक से मैं कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न पूछकर आपने मुझे धन्य कर दिया है। वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, वो सर्वाकर्षक तथा सुंदर है। उसका रूप ऐश्वर्य सब मनोहर है। आपने प्रश्न पूछने के माध्यम से फिर से उस रूप का स्मरण करवा दिया। निश्चित ही आप भी कोई महात्मा ही होंगे। देखिए महात्मा जी, मैं तो उस बालक से मिलने का संकल्प कर चुका हूँ। कृपया मुझे उसकी सही सही जानकारी दीजिए। वो बालक मथुरा जिले में रहता है। अच्छा, जिस शहर में रहते हैं वो वृंदावन है, जिस गांव में रहता है वो गोकुल है, जो कि यमुना नदी के किनारे है। जिस पर्वत पर क्रीड़ा करते हैं वो गिरिराज पर्वत है। उस बालक के पिता का नाम है नंद बाबा, माँ का नाम यशोदा है, बड़े भाई का नाम बलराम है। क्या इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी? जी महात्मा जी, मैं धन्य हो गया हूँ। अब मैं इस बालक से मिलने की योजना बनाता हूँ। अब मैं चलता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। श्री हरि आपका कल्याण करे। ये दुख के दिन बीते रे भैया। ओ भैया भैया भैया, अब सुख आयो रे। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। माया, अरे ओ माया, अरे कहाँ मर गई तू, जरा इधर तो आ। अरे इतना काहे चिल्ला रहे हो, मैं खाना पका रही हूँ। ऐसा क्या हो गया बोलो। अरे देख मायावती, बदलने वाली है हमारी गति। हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। क्या हुआ, खुलकर तो बताओ। अरे बताता हूँ, परंतु किसी से कहना मत। कल एक महात्मा से एक गुप्त खजाने की जानकारी मिली है,
और जिसके पास ये खजाना है वह तो एक छोटा सा बालक है। बालक? कहाँ रहता है ये बालक? और आप उस बालक से कैसे मिलेंगे? अरे देख, तू स्त्री है, तुझे अगर मैं सारी जानकारी बताऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तू एक काम कर, जल्दी जल्दी से दो माखन के लौंदा बना दे और तब तक मैं बाजार जाकर एक बांसुरी लेकर आता हूँ। ये माखन और ये बांसुरी से क्या होगा? सच में भगवान ने तेरी बुद्धि मंद कर दी है। जिस बालक से मैं खजाना लेने जा रहा हूँ उस बालक को ये सब पसंद है, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए तो मैं तैयारी कर देती हूँ, पर क्या आपको रास्ते के लिए भोजन नहीं चाहिए? हे भगवान, यह भी कोई कहने की बात है? जल्दी से भोजन पका दे और सुन, पिताजी से कह देना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, व्यर्थ की चिंता ना करें, मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ, तू जल्दी से अपना काम निपटा ले। ठीक है, पकाती हूँ। ये अपिचेत सुधुराचारो भजते मां अनन्य भाव साधुरे शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हरी 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 हरी। महात्मा जी, भगवान का नाम जपते कहाँ जा रहे हो? लगता है संसार की माया मोह छोड़ दी है। भगवान की माया तो भगवान की कृपा से ही छोड़ पाएंगे, अभी तो मैं दूसरे कार से निकला हूँ। अच्छा जरा बताओ तो कि ये मथुरा स्थान कहाँ पर है? मथुरा? वो तो भगवान की दिव्य लीला भूमि है और मथुरा बड़ा क्षेत्र है, आप कहाँ जाएंगे? मैं तो वृंदावन जाना चाहता हूँ। अरे भैया, वृंदावन में तो गिरिराज पर्वत है, निधिवन है, नंदगांव है, बरसाना है, महावन है, गोकुल है। अरे भाई रुको, मुझे गोकुल ही जाना है। वो कहाँ पर है बताओ तो जरा। अच्छा गोकुल जाना है तो सुनिए, सबसे पहले यहाँ से सीधा जाने पर मथुरा शहर आएगा। अच्छा। और मथुरा से गोकुल जाने के लिए मथुरा से पूर्व दिशा में जाने पर यमुना नदी के किनारे गोकुल गांव है, वहाँ बहुत सारे ग्वाल बाल क्रीड़ा कर रहे होंगे, उनसे गोकुल गांव के बारे में पूछ लेना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे अरे रुको। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। हरी 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 हरी। यह स्थान तो बहुत ही मनोहारी है, यहाँ यमुना का जल बहुत ही स्वच्छ है। चलो
थोड़ा सा यमुना का जल पी लेता हूं। पिता का नाम नंद बाबा, माता का नाम यशोदा और बड़े भाई का नाम बलराम है। ऐसा करता हूं, किसी से पूछ लेता हूं। अरे अरे भाई, जरा इधर तो आओ। कहाँ है भाई? हमरा बहुत काम पड़ा है, तनिक जल्दी बताओ भाई। अरे जरा रुको तो सही, मैं एक बालक से मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ जिसके पिता का नाम नंद बाबा है और माता का नाम यशोदा और उसके बड़े भाई का नाम बलराम है। क्या तुम उससे मुझे मिला सकते हो? काहे नहीं, देखो ओके मिलन के तो ढेरों तरीके हैं। तुम तो ओके नाम को बस पुकारत रहो, वो खुद ही चला आवेगा। वैसे तो ओके तुम कहीं भी पा सकत हो। अरे वो तो गोकुल में इते उते घूमत रहत है, कोनो निश्चित जगह तो हम नहीं बता सकत। तुम तो बस प्रेम में पुकारत रहो, ओके भावेगा तो वो खुद ही चला आवेगा। अच्छा अब हम चलत हैं, हमका बहुत देर हो गई है। अरे अरे रुको भाई रुको, उस बालक का नाम तो बताते जाओ। नाम? अरे ओके तो अनेको नाम है, कोनो ओके कान्हा कवत है, कोनो श्याम सुंदर, कोनो गोविंद और कोनो कृष्ण कवत है। अरे भैया का बताएं, ढेरों नाम है ओके, तुमको जो भावे है वही नाम से पुकारत लो। अच्छा अब हम चलत हैं। अरे गोपाल, कहाँ हो तुम? गोपाल गोपाल, शायद उन्हें गोविंद नाम अति पसंद है। हे गोविंद, आप कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए मक्खन लेकर आया हूँ, बांसुरी लेकर आया हूँ, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? अरे गोविंद, हे गोविंद, मेरे पास क्यों नहीं आते हो?